में शीत सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें एक दिन पहले कांग्रेस नेता एवं नागपुर के पूर्व पालक मंत्री नितिन राउत ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय परिसर में दिन भर के लिए अनशन किया। पूर्व मंत्री राउत द्वारा आंदोलन का समर्थन देते हुए रुग्णालय का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने की मांग की जा रही है। इंदौरा कामठी रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर में गत 26 नवंबर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति द्वारा श्रृंखलाबद्ध अनशन व आंदोलन शुरू है। निरंतर आंदोलन को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में शामिल लोग निरंतर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बुधवार को आंदोलन के 11वें दिन नितिन राउत भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने का षड्यंत्र रचकर नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तुम्हाला सांगू इच्छे की बाबासाहेबांचा एक पुत्र गंगाधर हा केवळ अवघ्या 2.5 वर्षाचा असताना हृदय विकाराचा झटका आला आणि मृत्युमुखी पडला। त्याचा सुद्धा उपचार होऊ शकला नाही। बाबासाहेब त्यावेळेला आपल्या एका मित्राला म्हणाले, अरे माझा मुलगा मरण पावला कारण त्याच्यासाठी उपचाराची सोय नव्हती। मला काळजी पडली आहे उत्तर नागपूरची की जेव्हा दक्षिण मध्ये हॉस्पिटल आहे, दक्षिण पश्चिम मध्ये हॉस्पिटल आहे, मध्य मध्ये हॉस्पिटल आहे, पश्चिम मध्ये हॉस्पिटल आहे, तर माझ्या उत्तर नागपूरच्या जनतेला एवढ्या लांब जाऊन हॉस्पिटलात कसा उपचार होऊ शकेल। त्यांचा उपचार याच ठिकाणी झाला पाहिजे म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावं ही इच्छा या ठिकाणी आधी मी व्यक्त केली आणि त्याचं प्रारूप या ठिकाणी तयार केलेलं आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।